नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विपक्षी दलों के बड़े नेताओं द्वारा उनको गाली और उन पर निजी हमले तो किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो सनसनीखेज बयान आया है वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के राजा पटेरिया का बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं वहाँ पर खड़े हुए, जो भाषण सुन रहे होते हैं, वो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। तो ये किस प्रकार की राजनीति है कि जहाँ पर प्रधानमंत्री, जो सभी के प्रधानमंत्री हैं, उनकी हत्या की साजिश वो भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, इसी पूछते हैं। नाम क्या सर आपका? मैं पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एहसान अब्बासी मेरा नाम है। तरीके से ये बयान आ रहा है कांग्रेस के पूर्व मंत्री का मध्य प्रदेश के, कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि वो संविधान के खिलाफ हैं। ये देश गांधी का है, ये देश बुद्ध का है, और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं अब शब्द कहने के लिए, मोदी जी जब से बने हैं क्या क्या शब्दों से नहीं बोला उन्होंने, मैं वो शब्द नहीं कह सकता। मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मुझे गर्व है हिंदुस्तान के ऊपर, मुझे गर्व है भारतीयता के ऊपर, मुझे गर्व है सनातन संस्कृति के ऊपर, कि इस देश के अंदर किसी को अपशब्द कहने की विचारधारा है ही नहीं। ये कौन सी विचारधारा है जो ऐसे अपशब्द से बोलते हैं? गांधी जी ने कहा था कि मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा काल कर दूँगा, वो विचारधारा है। बुद्ध ने कहा था कि मेरा सारा पूरा अखंड भारत परिवार है, हम किसी को अपमान नहीं कर सकते। और रही बात है कि हम किसी की मृत्यु के लिए बोलना, इस देश की मिट्टी में है ही नहीं। ये तो कहीं ना कहीं उस देश से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि कत्लेआम करते हैं, उनकी विचारधारा होती है कि हम मनुष्य को मारें। और मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, इस्लाम में ये कहा है कि एक कत्ल इंसानियत का पूरी इंसानियत कत्ल हो जाता है, एक मनुष्य का कत्ल पूरी इंसानियत कत्ल है, मैं उसको मानने वाला हूँ। और मैं भारत का हूँ, मैं भारतीय हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ, परंतु ये विचारधारा कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने की बात करती है। कहीं ना कहीं हमारे जो एक ऐसा प्रधान सेवक है जिसने 24 घंटे इस राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति के लिए, भाईचारे के लिए और सभी धर्मों के लिए और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लिए, जब बनते हैं कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, लैपटॉप मतलब शिक्षित हो, ऐसे प्रधानमंत्री को अपशब्द करना और उनकी मृत्यु के लिए बात करना, मैं इस बयान की निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों को भी निंदा करता हूँ। कांग्रेस के बड़े बड़े जो जितने भी, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे हो, राजीव गांधी रहे हो, उनका यहाँ पर उनके असैसिनेशन किया गया आतंकवादियों द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की तैयारी करने के लिए कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। मैंने कहा ना, ये एक बहुत ही गंदी विचारधारा है, इस देश को विभाजन करने की सोच है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की सोच है, ये और कहीं ना कहीं कत्ल गारत करने की सोच है। ये हिंदुस्तान अब सुरक्षित हाथों में है, ऐसी विचारधारा को हिंदुस्तान का मुस्लिम भी भर्सना करता है, और हमारा जो समाज है, हिंदू समाज है, जो ST SC है, जो कि एक जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं मानता है। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, अब उनके पास में ये मुद्दा बचा हुआ है कि हिंदुस्तान में दो समुदायों को लड़ाओ और कहीं ना कहीं हम अपनी राजनीति करें। गंदी राजनीति है, गंदे लोग हैं, मैं निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की। गुजरात का इलेक्शन के जब से रिजल्ट आए हैं और जहां पर प्रधानमंत्री 27 साल के बावजूद 156 सीटों के साथ बहुमत से इस बार बंपर बहुमत के साथ वापसी कर रहे हैं और आज शपथ ग्रहण हो रहा है, उसी का लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उसी की खींच जो है वो कांग्रेस के नेता इस प्रकार से कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हिंदुस्तान है, ये आज जो गुजरात की जीत है मोदी जी की नहीं है, ये जीत जनता की है, ये वहाँ की हर गुजराती की है, वहाँ मुसलमान की भी है, हिंदू की भी है, सिख की है, ईसाई की है, ये वो जीत है। आज सरकार में चौथी बार मुख्यमंत्री गुजरात का बनेगा और ये ब्यार चली है अब हिंदुस्तान में बदलने की, पूरे हर राज्यों में भाजपा आएगी। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के लिए वचनबद्ध है, हम वादे नहीं करते, भाजपा वादा नहीं करती, वो काम करती है। यही विचारधारा से विपक्षी अलग है, वादे करते हैं और भाजपा काम करती है, चाहे मुस्लिम के लिए हो, चाहे सिख के लिए हो, चाहे ईसाई के लिए है, या आज उनकी जीत है और उनके लिए काम करने के लिए वो पार्टी भाजपा बनी है। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सरफराज अली है। ये बताइए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मोदी की हत्या के लिए उकसाया जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस के बड़े मंत्री द्वारा, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस तरह की भाषा बोलने वाले जो बड़े मंत्री हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं और मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने
अपने शासनकाल में 5,500 दंगे दिए। 5,500 दंगों का हिसाब किताब कांग्रेस के पास है। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कोई दंगा बताएं, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है भारतीय जनता पार्टी, और वो हत्या की बात करते हैं क्योंकि वो दंगों वाली पार्टी है। उसने 5,500 दंगे दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बड़े बड़े दंगे हुए, सब कांग्रेस शासनकाल था। और भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने ऐसा कहा है कि किसी की हत्या करा दो? नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी। आज मुसलमान 4.5 लाख घर उनको मिले हैं, जो पसमांदा समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी दबे कुचलों की आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े जो पंक्ति का खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसकी आवाज़ है। अब ये बताइए, हम पूरा गुजरात का इलेक्शन हमने कवर किया, वहाँ पर हम मुस्लिम समाज के संप्रदाय के लोगों से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए काम हुए हैं। सब ने बोला प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी प्रकार की लाभ उन्हें मिले हैं। तो इस वजह से जो इस बार का वोट शेयर है उसमें मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट किया है, उसी की खींच बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में उतारी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान इसलिए जुड़ा है क्योंकि जैसे ही मोदी जी ने कहा कि सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास, और वो विश्वास उन्हें दिखाई दिया जब उनको सारी योजनाओं का लाभ मिला। और लाभ सबसे ज़्यादा लेने वाले जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, उनको लाभ मिला। तो उन्होंने कहा कि ये जो बरगलाने वाली राजनीति करती है ये और दूसरी पार्टियाँ हैं, चाहे सपा बसपा कांग्रेस, जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो इन्होंने जो है केवल मुस्लिम लोगों को योजनाएं तो बनाई लेकिन दी नहीं, एक योजना का फायदा नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को योजना बनाई तो उनका फायदा दिया। अब उनको दिखा कि ये अंतर है कि योजना बनी फायदा नहीं मिला और योजना बनी फायदा मिला, तो वो सीधे सीधे जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि उनको योजनाओं का लाभ मिला है। और आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें सारे लोग मिलकर के ये बता देंगे कि ये भ्रम की राजनीति पैदा करने वाले, भय की और भ्रम की जो राजनीति ये पैदा करते हैं, इस राजनीति से अब ऊपर निकल के आया मुस्लिम और वोट करेगा और डंके की चोट पर वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और आने वाले समय में जो योजनाएं बनेंगी उनका पूरी तरह से लाभ लेगा। जो राजा पटेरिया हैं, जो पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, वो तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति के आधार पर और वर्ण के आधार पर और धर्म के आधार पर और अल्पसंख्यकों को बांट रहे हैं, इस वजह से संविधान को अगर बचाना है तो उनकी मौत की तैयारी करनी चाहिए। जब कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे, जब उनको लग रहा है कि जनाधार हमारा ख़त्म हो रहा है, अब कोई ना कोई नया नया अपने ऐसी ऐसी बातें निकालेंगे सामने अपने मुँह से कि जनता उनको बिल्कुल नकार देगी। आज उनकी स्थिति बद से बदतर तो हो चुकी है, इससे भी ज़्यादा वो नीचे चले जाएंगे। ये अपनी भाषा शैली से ही बदनाम है और भाषा शैली इनकी ख़राब है। और ये दंगों वाली जो पार्टियाँ थीं वो अब जनता ने समझ लिया है कि दंगे वाली पार्टी नहीं, हमें विकास वाली पार्टी चाहिए, हमें जो सबका साथ सबका विकास वाली योजना जो बनाती है, जो योजना हम तक पहुँचाती है, वो वाली पार्टी चाहिए। और जो कहते हैं ना कि सबको काम, भारतीय जनता पार्टी सबको काम भी दे रही है, सबका सम्मान भी कर रही है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम काशिफ अफजाल है। ये बताइए, प्रधानमंत्री को मौत की तैयारी की बात तो उनके पूर्व मंत्री कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनके अध्यक्ष भी उनको प्रधानमंत्री मोदी को रावण कह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात के जो अध्यक्ष थे गोपाल इटालिया, वो उनको नीच और अपशब्द तमाम उनकी माँ के लिए क्या कह चुके हैं। तो ये लगातार प्रधानमंत्री को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? एक्चुअली ये लोग बौखला चुके हैं पूरी तरीके से, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको बोलना क्या है और कहना क्या है। ये इस तरह के अपशब्द यूज़ करने के बाद में क्या करते हैं कि फिर ये पलटी भी मारते हैं, ये पलटी भी मारते उन्होंने हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया राजा पटेरिया के। ये इनकी आदत बन चुकी है, ये अपनी आदत से बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, ये इनकी आदत बन चुकी है। अब पूरा हिंदुस्तान इनके बोलों को और इनको समझ चुका है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वोट जो है अल्पसंख्यक समाज जो है वो पूरा भाजपा को वोट करेगा और सपोर्ट करेगा। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अल्पसंख्यकों को बांट दिया है, इस वजह से संविधान को बचाने हैं तो उनकी हत्या की तैयारी। नहीं, सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, उनको जो अपने मन में आता है बोल देते हैं। ऐसी अल्फाजों की हम निंदा करते हैं और पुरजोर निंदा करते हैं इसके लिए, और उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी से ही माफ़ी मांगनी चाहिए।
ये इसी उत्तर प्रदेश की जनता के प्यार से वो दो बार यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं, तो कैसा लगता है कि आपको आपके प्रदेश से वो चुन के प्रधानमंत्री बने और कोई उनकी मौत की ऐसी तैयारी कर रहा हो? देखिए, पहली बात तो चुनने की बात आती है तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। और कोई लोग अगर ये कहते हैं मारने की बात करते हैं तो उनकी सोच ऐसी है, उनकी पार्टी की नीतियाँ ऐसी हैं, तो हम पुरजोर निंदा करते हैं उसकी और उसको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और हम इसके खिलाफ हैं। ठीक ठीक, आप इसके खिलाफ। ये बताइए सर कि प्रधानमंत्री मोदी को इतने बड़े बड़े हमले हो चुके हैं, उनको मौत का सौदाकर सोनिया गांधी तक कह चुकी हैं, लेकिन जब उनकी मौत की वो तैयारी करने का ये बयान आया है तब से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो इस पर चुप्पी साधे हुए। ये सब उनकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं पीछे से कोई और है, सामने कोई और है। तो आज देश का मुसलमान, आज देश का हिंदू, आज देश का राष्ट्रभक्त जान चुका है, जग चुका है। जैसे पहाड़ के ऊपर कितनी बारिश होती है, तूफान गर्मी आते हो, जलत रहता है, मोदी वट वृक्ष पहाड़ बन चुके हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए और इस संस्कृति को बचाने के लिए। अब कोई गाली बके, कोई योजना बनाए, उनकी रणनीति हो सकती है, परंतु पूरा देश का पसमंदा समाज, पहले हमें कांग्रेस ने बांटा, शिया सुन्नी कादियानी और बहुत से समाज बताए, आज मोदी ने उसे इकट्ठा कर दिया है, पसमंदा कह दिया। पसमंदा मतलब जो सब मुसलमान हैं, जो गरीब तबके से हैं, वो एक हैं, एक नाम दे दिया। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है इन पूर्व मंत्री द्वारा और कांग्रेस द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक और मुसलमानों के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है और बीजेपी द्वारा इनके खिलाफ काम किया जा रहा है, सच मानो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने हिंदुस्तान के मुसलमान को वो दिया है जो 70 वर्षों में किसी ने नहीं दिया। शिक्षा हो, रोजगार हो, कारोबार के ऋण हो, शौचालय हो, आयुष्मान कार्ड हो, जनधन योजना हो, बहुत सी योजना, आज योजना गिनाने का वक्त नहीं है। मैं पसमंदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं जन जन तक जाता हूँ, मैंने वो दर्द देखा है और मैंने खुशी भी देखी है। वो हमारी बहनें कहती हैं हमने आज ऐसा प्रधानमंत्री आया है और प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमें सूद ले रहा है, आज हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, आज हमें रोजगार है, आज हमें बैठे बैठे ऋण मिलता है, आज हमारे बैठे पेंशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने देश को जोड़कर सशक्त समृद्ध बनाने का जो प्रण लिया था वो साकार होता है। तो इसलिए सभी मुसलमान, हिंदू समाज या SC OBC समाज, सब इकट्ठा होकर मोदी जी को समर्थन करेगा और ये राष्ट्र आने वाले समय में विकसित राष्ट्र, स्वच्छ राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में वो तिरंगा फैलाएगा कि जो हिंदुस्तान को सब नमन करेंगे।